बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक विद अनदर रेसिपी। हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी भिंडी। भिंडी तो मोस्टली हर घर में ही बनती है, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने स्टाइल से बनाया जाए। आइए चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरह। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिए 1/2 kg भिंडी ली है। इसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दी थी, फिर इसको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर दिया। देन इसके बाद हम लेंगे चिकन, ये मैंने लिया है 1/2 kg। और याद रखें, जितनी आपने भिंडी की क्वांटिटी रखनी है उतनी ही आपने चिकन की क्वांटिटी रखें। आइए अपने स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए कलवंजी और ज़ीरा, तकरीबन ये मैंने 1 teaspoon लिए दोनों। इसके बाद मैंने लिए गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 teaspoon लिए। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली लिए, ये 5 to 6, इनको हाफ से मैंने कट कर दिया था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लिया हम नमक। देन यहाँ पे खुश्क धनिया लिए, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद चिली पाउडर लिए, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। यहाँ पे मैंने लिए प्याज लिए 5 से 6 मीडियम साइज़ के लिए, इसको भी आप स्मॉल पीसेस में कट कर लें। इसके बाद मैंने लिए टमाटर, ये मैंने 3 से 4 अदद लिए, इसको भी कट कर लें। आइए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ऑयल में भिंडी को फ्राई करेंगे। मोस्टली कहते हैं कि भिंडी जब हम बनाते हैं तो ऑयल जो है वो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इसी वजह से नहीं खाते। बट मैं आपको बहुत ही कम ऑयल में आज भिंडी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 to 2 tablespoons जो है वो ऑयल डाला है। इसी ऑयल से जो है हमारी भिंडी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। मैंने भिंडी फ्राई होने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे हम चिकन को रेडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल ली है, ये तकरीबन मैंने 1 tablespoon लिए। इसको अच्छी तरह जब तक लाइट ब्राउन नहीं होता तब तक आप कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लाइट ब्राउन हो जाता है, उसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह भून लें इसमें, ताकि ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे कलवंजी और ज़ीरा, और इसको डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, और जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हमने इसको नहीं निकालना। ये देखें, ऑयल रिलीज़ हो चुका है, तो इसके बाद हम जो है वो चिकन को सेपरेट कर देंगे, निकाल देंगे। आते दूसरी साइड पे हम देखते हैं, जो भिंडी हमने रखी थी वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हमने जस्ट 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह ये सारी फ्राई हो जाए। हम लेंगे खाली पैन, जिसमें मैंने 1.5 tablespoon जो है वो ऑयल डाल दिया है। हम इसमें डाल देंगे प्याज, डाल देंगे जो हमने ब्रिक स्लाइसेस में इसको कट कर लिया था। डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह इसको भूनना है, ताकि ये जस्ट लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको अच्छी तरह भून लेंगे। कैसे बनाई हुई चिकन अचारी भिंडी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो ये आपको बहुत ही यूनिक लग रही होगी। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाता है, हमने डाल देने हैं इसके बाद टमाटर, और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बाद हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, फिर 4 मिनट आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। आते हैं यहाँ पे भिंडी की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह भूनना है, तब तक ये आपस में घुल मिल ना जाए।
को नजर आ रहा है, हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। वन बाय वन जो है अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने डाली है रेड चिली, उसके बाद हल्दी डाल दी, हल्दी के बाद मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, उसके बाद आप डाल दें खुश्क धनिया डाल दें, नमक डाल दें। ये सब जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं ये आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि ये मसाले जो हैं अच्छी तरह इसमें अब्सॉर्ब हो जाएं। एंड पे मैं डालूंगी अचार। अचार जो है आप नेशनल शान या घर पे बना हुआ अचार डाल दें, बट ये भी आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। इतना भी ना डालिएगा ताकि जितने भी स्पाइसेस और अचार से आपकी भिंडी जो है वो ज़्यादा स्पाइसी बन जाए। डालने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें अब्सॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन जो हमने सेपरेट पहले कर लिया था, अब हम इसको एंड में डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी ऐड कर दिया ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो गल जाएं और घुल मिल के अच्छी तरह पक जाएं। से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। 5 से 6 मिनट बाद आप इसको अनकवर कर दें और देखें हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में घुल मिल गई हैं और अच्छी तरह पक गई हैं। एट द एंड हमने इसमें ऐड करनी है फ्राई की हुई भिंडी। 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि स्टीम में तमाम चीज़ें मज़ीद जो हैं वो पक जाएं और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। 4 मिनट बाद में इसको अनकवर कर दिया और पानी हो चुका है ड्राई और हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने डिश आउट कर दिया। लीजिए तैयार हो चुकी है लजीज और मज़ेदार चिकन अचारी भिंडी। आजकल के सीज़न में हर कोई अपने घर में ट्राई करता होगा, तो आप प्लीज़ इस रेसिपी के साथ घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। लास्ट मिनी बिनी चस्का को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मज़ेदार आने वाली रेसिपी का आपको पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।